केंद्र ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया है। लेकिन इस केंद्रीय बजट 2024 में बिहार की सड़कों और हाईवे का विस्तार करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में बिहार में सड़कों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 26,000 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव किया है। सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोदय योजना के जरिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की विकास योजना बनाएगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर बिहार के गया में एक औद्योगिक इकाई का विकास भी कराने का समर्थन करते हैं। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण करने की बात इस बजट में की गई है। ये तीनों एक्सप्रेसवे पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर और गया दरभंगा के हैं। सीतारमण ने संसद में 2024 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस देश के पूर्वी हिस्से में विकास में गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए इस बजट में काफ़ी कुछ है। इन परियोजनाओं के लिए पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर राजमार्ग, बोधगया राजगीर, वैशाली, दरभंगा और बक्सर में 26,000 करोड़ की लागत से 2 लेन वाले पुल के विकास में भी मदद करेंगे। केंद्र सरकार ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के अलावा भी अन्य तरह की योजनाएं बिहार की झोली में डाली हैं। इन योजनाओं में बक्सर के पास गंगा के ऊपर एक अतिरिक्त 2 लेन के निर्माण की बात की गई है। इसके अलावा बिहार में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर देने की बात कही गई है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। इसी तरह राज्य को बिजली की लगातार सप्लाई दिलाने के लिए 21,400 करोड़ की लागत से पावर प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान किया गया है। वहीं पीर पैंती में भी एक 2400 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। बिहार में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा ताकि राज्य की स्थिति में सुधार किया जा सके। बिहार के विकास में तेजी लाने के लिए मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक की मदद ली जाएगी।